नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड एमआई रिपोर्ट ऑटोमेशन फॉर वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, कोई रिकॉर्डेड हमारे स्पेशली रिकॉर्ड की गई नहीं है, ये हमारे लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। सुबह के 6:30 बजे है, हमारे साथ रमेश बाबू, तेजेंद्र और जाहिद जी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से, तेजेंद्र जी तो आउट ऑफ इंडिया हांगकॉन्ग से है, ज्वाइन किए हैं और मेरे साथ क्लासेस ले रहे हैं। तो आप इस क्लास को ऑब्जर्व कीजिए और इस क्लास को एंड तक देखिए, क्योंकि ये कोई रिकॉर्ड की क्लास नहीं है, ये हमारे लाइव क्लासेस जो है उसी की ये स्ट्रीमिंग है आपके साथ, जिसमें हम लाइव पढ़ा रहे हैं। तो अंत तक देखेंगे तो आपको नए नए फीचर्स जानने को मिलेगा। और वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे इफ कंडीशंस। आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग, और मैं आप लोगों का रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दिया है, आप लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिएगा। वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे इफ कंडीशंस की। जैसे कि हमारे आपके सामने यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट फॉर्म है, जो कि हमने लास्ट क्लासेस में आपके साथ डिस्कस की, किस पे आप डेटा फिल करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका अगले शीट पे चला जाएगा। राइट सर, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है कि अगर मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँ तो सबमिट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि पहले कंडीशन चेक करें कि हाँ इसमें नेम ब्लैंक है या नहीं है वगैरह वगैरह, उसके बाद आगे भेजें। अगर मैं दूसरा फॉर्म देखूं जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, उसके कंडीशंस नहीं लगे हुए हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपने प्रोग्रामिंग यहाँ पे यूज किया है, और आपने इस कंडीशन लगाया भी है जाहिद जी। तो इसमें और भी कंडीशंस लगा के हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हम ओपन करते हैं दूसरी फाइल। इस पे आप खुद लगा लीजिए। तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्म है, ये हमारे पास डेटा है। अच्छा, तो मैं चाहता हूं कि इसमें से कोई भी नंबर, कोई भी पर्टिकुलर नंबर जो है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैंक है इसका मतलब है कि कहीं भी किसी कोई गलत हम नहीं टाइप करना है, हर एक सेल्स को फिल होना चाहिए। अब इसमें 3-4-5 फिल होता तो नॉर्मली हम इफ और लगा लेते। लेकिन ये बहुत सारे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे डेटा के स्टार्ट में, जो डेटा का स्टार्ट है उसी डेटा के स्टार्ट में हम यहाँ पे सबसे पहले लगाए हैं कि इफ, और यहां देंगे एप्लीकेशन एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए। काउंट ए काउंट करेगा सारे फिल की गई सेल्स को, रेंज, और रेंज में मैं यहां पे इकट्ठा दे देता हूं B3 B3 कॉमा B5 कॉमा B7 कॉमा B9 कॉमा B11 कॉमा 11 के बाद क्या है 15 और 13 15 17 B13 कॉमा B15 कॉमा और B17। और हमने सारे रेंज दे दिए, तो इसका काउंट काउंट निकलेगा। अगर काउंट अगर इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, या फिर उल्टा करना चाहते हैं कि नॉट इक्वल टू, हमने यहाँ पे दिया क्या कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8,
अगर नॉट इक्वल टू 8 हुआ देन एक मैसेज शो करेगा एमएसजी बॉक्स और बोलेगा कि प्लीज फिल एवरी सेल। और यहां पे हम एंड कर रहे हैं एंड एंड सब्जेक्ट एग्जिट सब माफ कीजिएगा एग्जिट सब। अब एग्जिट सब क्यों करना होगा इसका एक स्पष्ट समझ लीजिए, इसलिए क्योंकि कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन नहीं फुलफिल हुआ तो मैसेज बॉक्स दे देगा, बट मैसेज बॉक्स देने से बाकी नीचे के जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये तो होंगे ही होंगे, हमें अगर मिला तो इस ट्रांजेक्शन्स को रोक देना है ना, क्या जाहिद जी? जाहिद जी समझ में आ जाए जी आपको? यस सर, यस सर। तो इसलिए हमें एग्जिट सब लगा। अब क्या होगा कि अगर जैसे मैं यहाँ पे ये करूंगा फॉर्म पे क्लिक करूंगा, अच्छा माफ कीजिएगा यहाँ एंड सब नहीं होगा, यहाँ पे एंड इफ होगा, हमने गलती से एंड सब। अब जैसे मैं यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करूंगा ये बोलेगा प्लीज फिल एवरी सेल, जब तक कि मैं पूरी सेल्स को नहीं करूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है? लेकिन मान लीजिए ये तो हो गया आपका क्या बोलते हैं कि ये चीज, लेकिन मान लीजिए कि चेक करके बताएं कि कौन कौन से सेल्स को उसने फिल नहीं किया है, तो उसके लिए आपको अलग अलग डिवाइस अलग अलग आपको लगाना पड़ेंगे। यहाँ पे लगेगा कि इफ रेंज बी थ्री डॉट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो मैसेज बॉक्स एम एस जी बॉक्स, यहां पे लिखेंगे कि प्लीज एंटर डिवाइस और फिर एग्जिट सब। राइट सर? यस सर। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक एक करके जितने भी आठों जो सेल्स है आठों सेल्स के लिए आठ इफ लगाने पड़ेंगे। यस सर। तो वो वन बाय वन आपके हिसाब से मैसेज देगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं सारे होने ही चाहिए देन हम ये जो हमने लगाया इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट सर? राइट। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि जो डिवाइस हमने सारे डाल दिए, अब में से जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को मुझे करना है वैलिडेट करना है कि मुझे क्वांटिटी 50 से 500 के बीच की चाहिए। राइट सर? तो इसके लिए आप डायरेक्ट वीवी की डालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डेटा वैल्यूएशंस में जाके यहाँ आप होल नंबर बिटवीन फाइव टू फिफ्टी कर सकते हैं, ठीक है? तो यही पे वो कम नंबर है, उसे मान लीजिए कि कम डाला तो आपको यहाँ पे एरर दे देगा, एंट्री एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। लेकिन आप एक काम डेटा वैल्यूएशन से नहीं करना चाहते क्योंकि अगर किसी ने गलती से कॉपी करके पेस्ट इस तरह से कर दिया डेटा वैल्यूएशन आपका हट जाएगा। क्या सर? तो वीवीए से करने के लिए आपको यहाँ पे कंडीशन लगाना पड़ेगा, आप कंडीशन का सीक्वेंस मैनेज कीजिएगा, समझे कि पहले कौन सा चीज चेक करेगा। तो यहाँ पे मैंने दिया इफ रेंज और कंडीशन क्या है, क्वांटिटी क्या है 13 बी 13 बी 13। अब मुझे यहाँ पे बिटवीन देना है, क्या देना है? बिटवीन देना है। तो मैं यहाँ करूंगा ग्रेटर दैन इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 5 और फिर यहाँ पे एंड वर्ड लगाऊंगा क्योंकि इसमें दो कंडीशन है कि रेंज की बी 13 की वैल्यू इज ग्रेटर देन 5
और इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 5, लेस देन 50 होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 50। तो दो कंडीशंस के लिए आप एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैसेज कर दीजिए एमएसजी बॉक्स, याद दीजिए प्लीज एंटर क्वांटिटी बिटवीन 5, यहाँ पे 5 to 50, और यहाँ पे एग्जिट सब, और यहाँ पे तो अब गलत नंबर डालेंगे ना, मुझे मैंने फिल कर देते हैं डिवाइस में क्वांटिटी, मान लीजिए मैं देता हूँ 2, तो ये डिबग टाइप मिसमैच कर रहा है। कहाँ पे आया आपने? फिर आईडी प्लस 1 को क्यों डिलीट नहीं किया था सर? सर ये मैंने 2 ओवर ठीक है। अच्छा यहाँ पे हटा दीजिए इसको, कैसे आईडी दीजिए सर? ये नहीं सर, ये फाइल मैंने आपको पहले से कर दी है ना, जो मेरे पास जो मैंने मतलब की है उसमें चेंज कर दिया सर। अच्छा ये और आपकी मेरी मेरी फाइल आपकी फाइल जो थी ना, तो देखिए डेटा है जो सर नहीं, डेटा शेक भी हुआ, ये गड़बड़ हो गया सर यहाँ पे आई थिंक, डिवाइस क्वांटिटी 2 चला गया। एक मिनट, B13 रेंज, B13 नहीं रहा, B13 की वैल्यू हमने बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 15 हो तो मुझे एग्जिट सब। ये बाईपास की जरूरत है, एक बार और देता हूँ मैं डिवाइस डीपी मैंने यार 2 दिया था ना। यस सर, 2 दिया, बेटा है सेव, ये गड़बड़ हो गया। मैं फिलहाल इसको मैं फिलहाल ये कर देता हूँ, यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए था इसको, यहीं पे हो जाता। इफ B13 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड रेंज B13 इज लेस देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 15 ये तो हमने क्वांट, ये तो यहाँ पे मुझे कंडीशन उल्टा कर दिया सर, क्योंकि ये तो हो ही रहा है, हमें इसी इतना एंट्री करना था ना, तो मुझे यहाँ पे देना है कि अगर लेस देन इक्वल टू 5 हुआ और यहाँ एंड के जगह पे और लेना है, ठीक है सर? और
अगर ग्रेटर देन ए हुआ तो एंट्री नल है, अब एंट्री आपकी नहीं करेगी। यहां पे मैं टी दे देता हूं, तो आपको 5 टू 15 दिख रहा है। लेकिन हम जो कंडीशन लगाए थे पहले वाला कंडीशंस एंड का, इसमें क्या था कि इसमें क्या है भाई, 5 से नीचे हो फिर भी एरर दे दे, 50 से ऊपर हो फिर भी एरर दे दे। लेकिन मैंने इस पे इससे पहले कंडीशन लगाई थी कि इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और हमने यहां पे एंड दिया, तो ये हमारा कंडीशन हुआ कि इस पे एंट्री हमें करनी है। हमने कंडीशन, हमारे साथ यही प्रॉब्लम हुई थी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमें क्या कर देना है कि इसको यहां से मैं कट कर देता हूं, इसको कट कर देता हूं एंड इफ को भी कर देता हूं, और इसी कोड को हम इफ के अंदर में डाल देते हैं और फिर एल्स के अंदर में डालते हैं, एल्स और एल्स के अंदर भी हम ये डालते हैं, मैसेज डालते हैं MSG box, दो तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है। Please enter quantity 5 to 50 और यहां पे एंड, समझे। तो हर इफ के दो पार्ट होता है, पहला पार्ट होता है आपका ट्रू पार्ट, दूसरा होता है फॉल्स पार्ट। तो ये जो हुआ ट्रू पार्ट हुआ कि अगर वैल्यू 5 और 50 के बीच में हुआ तो सारे कोड को परफॉर्म करेगा। यहां ये सारे कोड को परफॉर्म करेगा यहां तक, ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैसेज बॉक्स को देगा। ये भी एक तरीका है, क्लियर है। दूसरी, मैं चाहता हूं कि रिपीटेड ना हो, डुप्लीकेशन ना हो। मैं चाहता हूं कि मेरा जो IMEI नंबर है ये डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। मैं IMEI नंबर 1 को ही लेके चलता हूं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले एक सी करके मैंने एक एप्लीकेशन कि IMEI नंबर पहले से एग्जिस्ट है कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम मैच वीलुकअप लगा सकते हैं। बट मैच और वीलुकअप लगाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा, कि प्रॉब्लम ये होगा कि आपका जो डेटा में अगर एग्जिस्ट नहीं किया तो एरर देगा, अगर आपका एरर दिया तो फिर एरर हैंडलिंग में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन में हम काउंट इफ देंगे। काउंट इफ क्या होगा कि अगर मिला तो, अगर मैच किया तो काउंट देगा कितना बार रिपीटेड है, अगर नहीं किया तो रिजल्ट जीरो देगा। तो हमने काउंट इफ और हमने यहां पे बोला ए जो हमारा है शीट्स में हमने दे दिया रेंज, तो शीट्स में हम डेटा डॉट रेंज, रेंज का कॉलम कौन सा है, रेंज का कॉलम हमारा IMEI नंबर का एफ है, नहीं यार जी है जी, यहाँ पे रेंज जी वाई जी हम यहाँ पे कॉमा, क्या काउंट करना है तो काउंट करना है मुझे रेंज, और कौन सा रेंज है हमारा, तो रेंज हमारा है IMEI नंबर 1 का 9 बी 9 बी 9 डॉट। तो काउंटिंग फॉर्मूला लगा कि भाई डेटा शीट के जी कॉलम में जाओ और बी 9 के वैल्यू को काउंट करो, फिर यहां पे कंडीशन लगाएंगे कि इफ सी इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू 0 देन, अगर 0 है तो एंट्री करना ही है ना सर, हमें रोकना कब है, जब हमारा 0 ना हो। तो यहां पे मैसेज एमएसजी बॉक्स कर देते हैं, लिखते हैं कि एंटर IMEI 1
ठीक है सर, और फिर एग्जिट, समझ आ गया सर? जाहिद जी कोई डाउट सर ये इसमें? हेलो बोलिए, सुन रहा हूँ। सर ये इफ सी नॉट इक्वल टू जीरो मतलब एक से ज्यादा ना हो वैल्यू डबल। हाँ, मतलब कि नहीं समझे कि अगर काउंट इफ का रिजल्ट जीरो आया, इसका मतलब है कि आईएमआई नंबर पहले से एंट्री नहीं की गई है। मतलब डुप्लीकेट उसको ना मिले। हाँ, जैसे ये देखिए ना कि अगर मान लीजिए कि मैं डेटा में मैं इसी ये आईएमआई नंबर को एंट्री करने जा रहा हूँ, तो काउंट इफ क्या करेगा कि इस पूरे कॉलम में इस ईएमआई को सर्च करेगा, और एक बार होगा तो एक ठीक बार, दो बार होगा तो दो बार, एक रिजल्ट देगा यहाँ पे। यस सर, मतलब कि ए वन दिया होता कि एंट्री पहले से है तो यहाँ पे एंट्री एक्सेप्ट ना करे। अगर मान लीजिए कि मैं नया नंबर है। दे रहा हूँ जिसकी एंट्री नहीं है, वो जीरो आएगा। जीरो मतलब कि इसकी एंट्री नहीं हुई हुई है, इसकी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है तो यही हमने दिया नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो अगर आएगा तो फॉलो कर, बाकी नीचे कोड को फॉलो कर दे दो। अगर जीरो के अलावा कोई नंबर आता है तो फिर यही पे मैसेज देके सब्जेक्ट को खत्म कर दो। मतलब उसको अगर एक वैल्यू अगर दोबारा मिलती है वही वैल्यू तो दिखाएगा मैसेज राइट। हाँ, अगर एक ही ठीक है जो फॉर्म में हम टाइप किए हुए हैं वो क्या करेगा, सिंपल सी यस बात सर। समझिएगा कि जो फॉर्म में हमने टाइप किया हुआ है उस आईएमआई नंबर को इसके में काउंट करेगा। काउंट का रिजल्ट अगर जीरो से बड़ा निकला, मतलब कि एग्जिस्ट करता है, उसने इसमें एंट्री पहले से डली हुई है उसकी, तो एंट्री नहीं करेगा। जीरो मिलता है तो करेगा, यही पे हमने कंडीशन लगाया हुआ है। ठीक है सर, अब हम लास्ट यहाँ पे लगाते हैं कि मुझे कंफर्मेशन चाहिए। जैसे कि कभी मैं फाइल क्लोज करते हैं, हम लोग करते हैं ना, तो पूछता है ना यस डिमांड सर टू सेल, ऐसे ही मैं जब यस सर बटन पे क्लिक करूं तो मुझसे कंफर्मेशन पूछे कि डिमांड टू चेंज, क्योंकि गलती माना कभी गलती से फॉर्म पे क्लिक हो गया तो क्या सर? यस सर तो मैं जब तक मैं कंफर्म ना करूं तब तक एंट्री को ना डाल। तो उसके लिए हमें मैसेज बॉक्स चाहिए, तो मैसेज बॉक्स को हम वेरिएबल पे करते हैं कि एम इक्वल टू एम एस जी बॉक्स, और यहाँ पे देते हैं प्रॉम्प्ट मैसेज कि यहाँ पे कि डू यू वांट टू सेव डेटा क्वेश्चन मार्क, और फिर इसमें बटन्स। अब देखिए जैसे कॉमा किया मुझे बटन्स के बारे में बता रहा है, कौन सा बटन चाहिए आप, तो मैंने यस एंड नो को सिलेक्ट कर लिया। टाइटल, टाइटल में दे दिया प्लीज कंफर्म। तो ये क्या हुआ कि मैसेज बॉक्स रन होगा, रन होते हैं मुझसे पूछेगा कि डू वांट टू सेव, और उस पे यस एंड नो का दो बटन होगा, और टाइटल जो ठीक ऊपर होता है ना, ऊपर पर टाइटल होता है, टाइटल है यस सर में प्लीज लिखा कंफर्म होता दिखाएगा। है। तो अगर मैंने यस पे क्लिक किया तो वी एम के ऊपर वीवी यस सेव होगा, अगर नो पे क्लिक किया तो वीवी नो होगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन देंगे इफ एम इक्वल टू वीवी नो देन एग्जिट सब। अब यहाँ पे देखिए कि मुझे यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या है कि एक कंडीशन को मैच करना है और मुझे एक ही रिजल्ट देना है, तो इसके लिए हम इसे देन और एंड इफ करने की जरूरत नहीं है, हम इसको एक लाइन में ही लिख सकते हैं। अगर सिंगल रिजल्ट और सिंगल एक्शन है तो आप उसको इफ को इस तरह से एक लाइन में भी लिख सकते हैं। क्लियर है सर? अब मैं देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, उससे पूछता है डू वांट टू कंफर्म, अगर मैंने नो पे क्लिक कर दिया तो कुछ नहीं किया, अगर मैंने यस पे क्लिक कर दिया तो पूरी डेटा को इसमें एरर है ना, हाँ ना, सिक्स कर देता हूँ, अगर मैंने यस पे क्लिक कर दिया तो पूरी डेटा को सेव कर देगा। सेव कर दिया, तो जी ये
इफ कंडीशन था, लेकिन इफ कंडीशन मैंने आपको भी थोड़ा बताया है, राइट सर। अभी कुछ क्लासेस है उसको करने के बाद, दो क्लासेस के बाद फिर वापस हम इफ पे आएंगे, इफ और लूप पे आएंगे, जहां आपको हम पूरी डिटेल के साथ इफ पढ़ाएंगे। फिलहाल फिलहाल मैंने आपको इतना बता दिया तक जो कि आप इस फॉर्म के ऊपर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, आप लोग इस पर बैठकर तसल्ली से प्रैक्टिस कीजिए, और कल हम बात करेंगे रेंज फॉर्मेटिंग की। हेलो, हाँ बोलिए सर। एक क्वेश्चन था, मतलब जैसे आपने अभी यहाँ पे काउंट इफ लगाया, तो आपने बताया कि हम इसमें मैच या विल लुक अप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लो उसको वैल्यू नहीं मिलती है तो वो एन ए ओब्लिक और हैश शो करता है, इसलिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जब एरर आएगा तो फिर मुझे एरर को हैंडल करने वाला कोड डालना पड़ेगा, डबल कोड डालनी पड़ जाएगी। उससे बेटर ऑप्शन मतलब हाँ बस यही है सर, काउंटिंग। हाँ हाँ ओके ओके ना, वो चीज भी मैं आपको वो भी बताऊंगा, एरर हैंडलिंग बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं, क्योंकि अभी कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए सर अभी काउंटिंग भी देंगे। चलिए ओके ठीक है तो हमने भेज दिया आपको फाइल, आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिए। और तेजेंद्र जी, अभी okay. जी आप लोग भी कुछ अपने 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 फॉर्म जो आपने बनाए हुए हैं उस पे इसका इम्प्लीमेंटेशन कीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, ये फॉर्म के ऊपर रमेश जी, इस फॉर्म के ऊपर सारे इस कंडीशन को इम्प्लीमेंट करके मुझे दीजिए वापस। जी जी सर, ओके बाय, सी यू टुमारो, सेम टाइम। ओके सर, तो यूट्यूबर देखा किस तरीके से मैंने अभी क्लासेस ली, इस क्लासेस को कैसे हमने इम्प्लीमेंट किया, लाइव था, इंटरेक्टिव था। आप भी हमारी इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, और वहां पे जाने के बाद डेमो क्लास का फॉर्म भर दें, फिर मैं हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, डेमो क्लासेस का टाइमिंग डिस्कस करेंगे और क्लासेस देंगे। क्लासेस हमारी मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे एंड संडे होती है, मॉर्निंग 5 से लेकर रात के 12 बजे तक। तो अगर वर्किंग है तो इस बीच में आप 1 घंटे का टाइम अरेंज कर सकते हैं हम आपके लिए क्लासेस के लिए। अगर आप क्लासेस नहीं लेना चाहते हैं, आपको टाइम नहीं है, तो आप हमारी पेन ड्राइव को भी परचेज कर सकते हैं। इन सबों की डिटेल्स मेरी वेबसाइट iptindia.com पे अवेलेबल है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए।